हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का रिवीजन क्लास का 60वां पार्ट देखेंगे, जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीएसई, प्रवक्ता परीक्षा, एलटी गेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जिससे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो 5 वर्ष होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है 5 वर्ष होती है। फ्रांस में बहुदलीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, बहुदलीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसके बाद फ्रांस एक गणराज्य बना था। तो 2-3 पॉइंट हैं यहाँ से, सबको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनपीसी। ठीक है, एनपीसी, एनपीसी संस्था जो है चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है। चीन में जो है 1949 के बाद एक दलीय प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक दलीय प्रणाली है, और जबकि एनएफसी जो है, ये एनएफसी जो है और एमपीसी और एमएफसी को सरकार में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया गया है, और एनपीसी जो है ये सर्वोच्च संस्था है चीन की जो कानून बनाने वाली है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं, आप सभी पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? तो शक्ति का संतुलन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाले को जो है शक्ति का संतुलन कहते हैं। देश के लिए कार्य करने वाले को राष्ट्रीय हित कहा जाता है, और देश के लिए कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय हित कहा जाता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन से तात्पर्य किसी भी गुट में जो है मुख्यतः सैनिक गुट शामिल न होता है, उसे क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्ष कहा जाता है। तो यहाँ से इन दोनों को भी याद रखिएगा, इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो सामूहिक सुरक्षा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत जो है ये सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन जो होता है ये देश के हित के लिए होता है। सरकार में सभी स्तर पर शक्ति का बंटवारा होता है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का गठन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है सामूहिक सुरक्षा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो ये है परिवर्तनीय हित, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, परिवर्तनीय हित जो है प्राथमिक और अस्थाई दोनों हितों से उभर सकता है। विशिष्ट हित, ठीक है, विशिष्ट हित जो है विशेष लोगों के लिए होता है। समान हित जो है सभी के लिए समान होता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह अस्थाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक और अस्थाई दोनों हितों की बात किया है, तो जो परिवर्तनीय हित है वो अस्थाई और प्राथमिक हित इससे जो है उभर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? तो 25, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
ठीक है, जिन्होंने यह निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी शक्तिशाली देश के साथ न तो आएंगे और न ही जो है विरोध करेंगे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था सितंबर 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी में बेलग्रेड में संपन्न हुई, जिसमें जो है 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और यह सम्मेलन जो है यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर जो है आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 25 देशों ने आपका इसमें हिस्सा लिया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के तीन तत्वों में से किसे शामिल नहीं किया है? तो सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। ठीक है, जॉर्ज और कोहेन ने जो है राष्ट्रीय हित की व्याख्या के तीन तत्वों में जो है सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। राष्ट्रीय हित के लिए भौतिक जीविता, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह को जो है इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय हित में सुरक्षा का वर्णन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को तीन तत्वों, संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटता है? तो ये वाल्टेज थे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाल्टेज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को तीन तत्वों, संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण ये बांटता है तीन इकाइयों में। जबकि अगर देखा जाए ये जो मेयर सीमर है, स्टीफन वाल्ट है, डेविड हेल्ड है, इनका संगठनात्मक सिद्धांत में कोई योगदान नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाल्टेज जो थे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को तीन इकाइयों में बांटा था, तो भी ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है, तो उसको निर्णय निर्माण कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को जो है निर्णय निर्माण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन मेकिंग, कहा जाता है। और विकर्ण संचार जो है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन जो है, ये सहायक सेवा जो है, ये विशिष्ट समस्या को हल करने में इसका कोई योगदान नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो वो है पद सोपान। ठीक है, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत जो है पद सोपान है। संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत में नियंत्रण का विस्तार जो है आदेश की एकता, केंद्रीकरण इसमें शामिल किया गया है, लेकिन मूनी ने पद सोपान को जो है पहली प्राथमिकता दिया है। ठीक है, तो मूनी के अनुसार पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पद सोपान को सबसे पहले प्राथमिकता दिया था मूनी ने, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो वो है सरकारी विभाग। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरकारी विभाग जो है एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि प्रशासन में सरकारी विभाग को ही राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपा जाता है। प्रशासन विभाग ही भारत के महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करते हैं। प्रशासन विभाग का संबंध जो है भारत में नौकरशाही से है, और केंद्र अथवा राज्य स्तर पर लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में इनकी भूमिका जो है व्यापक होती है, तो यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? तो 1887 में। ठीक है, वर्ष 1887 ईस्वी में अमेरिकी सरकार ने
अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात कहा जाए तो अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की जो है स्थापना किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है इस देश का सर्वोच्च कानून है। यह जो है 4 मार्च 1789 को जो है प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पदोन्नति प्रणाली कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को जो है पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। एकाधिकार जो प्रणाली है, ठीक है, एकाधिकार प्रणाली पर किसी एक का अधिकार ही अधिकार होता है। और विभाजन प्रणाली जो है, विभाजन प्रणाली को भर्ती प्रक्रिया से कोई संबंध इसका नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक रूप से भर्ती प्रक्रिया को कहा जाता है पदोन्नति प्रणाली। अगला क्वेश्चन है सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, सेवा में प्रवेश करने से पहले जो है सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी भी विभाग में जो है नियुक्ति से पहले एक नियुक्ति प्रक्रिया का गठन किया जाता है। यह नियुक्ति संगठन इकाई अपने अंतिम स्तर पर जो है चयनित किए गए अभ्यर्थी को प्रशिक्षण देता है और प्रशिक्षण के दौरान जो है चयनित अभ्यर्थियों को उसकी सेवा के अनुसार नियम कानून से अवगत कराए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है। तो मनोबल के अनुसार, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को मनोबल द्वारा जो है संदर्भित किया जा सकता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है, तो भारत में जो है सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस, इसको भी याद रखिएगा। भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कार्नवालिस को समझा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।